नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और HSICICDC के अध्यक्ष राजेश खुलर की अध्यक्षता में वीरवार को चंडीगढ़ में हुई हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम के निदेशक मंडल की 362वीं बैठक, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के एक एकड़ या उससे अधिक क्षेत्र के स्थित औद्योगिक में औद्योगिक आवास घटक के लिए FAR तथा 10% वृद्धि के प्रावधान के साथ साथ औद्योगिक श्रमिकों के आवास इकाइयों डॉर्मेट्रीज और तथा उसके पटे पर आवंटित करने के लिए एक नई नीति और उसे सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। प्रबंध निदेशक श्री अनुराग अग्रवाल ने बताया कि COVID-19 के बाद में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां, जिसमें श्रमिकों को इन टू सीटू आवास में प्राथमिकता देने, औद्योगिक परिसर में रहने के लिए तैयार इकाइयों में बढ़ती आवश्यकता के साथ साथ उद्योगपतियों के साथ क्वालिटी तथा समय के अभाव में और उसके मद्देनजर इन प्रस्तावों पर विचार किया गया है। यह श्रमिकों को कार्यरत बनाए रखने के लिए तथा उन्हें न्यूनतम लागत पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि HSICIDC के पास में IIT मानेसर के साथ साथ इंडस्ट्रियल एस्टेट कुंडली और औद्योगिक श्रमिकों के लिए रहने के लिए आवासीय इकाइयां तथा डॉर्मेट्री तैयार हैं। उन्होंने कहा कि HSICIDC की और उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर नीति के प्रारूप शीघ्र ही अपलोड कर दिए जाएंगे। आवंटियों तथा हितधारकों से कोई सुझाव और टिप्पणियां भी आमंत्रित की जाएंगी। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।